अस्सलामुअलैकुम फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सो फैमिली, आज का दिन जो है वो मंगल है। तो अभी टाइम हो चुका है 10:30। तो अभी मैं उठ चुका था यार, मैं सुबह से सोया नहीं था। रात में मैं सोया था 2:30 बजे और अभी मैं फिर उठ गया। सीन कुछ ऐसा है कि मेरी जो फार्मेसी की टाइमिंग थी ना, जहाँ मैं फार्मेसी जाता था, वहाँ की टाइमिंग थी पहले 10 से 4, 4:30 ऐसी रहती थी। लेकिन अब जो टाइमिंग हो गई है, हो क्या गई, मैंने खुद नहीं करवाई है, वो टाइमिंग है दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक। फिर उसके बाद हम क्या जिम चले जाएंगे, आते के साथ हम जिम चले जाएंगे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि आज से तो मेरी टाइमिंग हो गई है, तो मैं आज जाऊंगा 1 बजे जिम। तो अभी मैं बैठा हुआ ऐसे ही फ्री बैठा हुआ, और आज मैं तुम्हें अपना शोल्डर का कंप्लीट वर्कआउट भी दिखाऊँगा। तो आज तो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस ब्लॉग। तो अभी मैं मिलता हूँ फिर तुम्हें फार्मेसी के टाइम पर। तो भाई अभी मैं हो चुका हूँ फुल तैयार फार्मेसी के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है फिक्स। तो मैं भी अपनी एक छोटी सी मिल लेता हूँ और फिर जाता हूँ फार्मेसी। उससे पहले बाइक में पेट्रोल भी जलाना है ना, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया तो पेट्रोल भी जलवाना है। तो अभी लेते हैं एक छोटी सी मिल और फिर चलते हैं फार्मेसी। तो भाई अभी मैं फ़िलहाल फार्मेसी पर हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 5:30-6 तक मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अभी मैं आ चुका हूँ फार्मेसी से घर पर। तो अभी टाइम हो चुका है 5:30 और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो तुम शायद तुम भी नोटिस करते हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो अभी मैं एक अनार रखा हुआ था, हमने बोला चलो यार इसको खाते हैं। अब पता है हमारे में क्या है, हमें ना छीनने में हल्कसी आ रही होती है, लेकिन खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब भाई अब खा लेते लेकिन छीन नहीं पाता। अब भाई यार ये बड़ा मसला है अनार के साथ, इसको पहले छीनना पड़ता है फिर इसको खाओ। छीलने में थोड़ी सी हल्का सी आती है, खाने में नहीं आती। तो अभी छीलते खाते और फिर चलते हैं जिम। जिम जाएंगे 5:30 तक। तो अभी हो रहा 5:30, 1 घंटा इसको खाने के बाद, ताकि ब्लड वगैरह में सही से एब्जॉर्ब वगैरह हो जाए, फिर चलते हैं जिम। तो आज जिम में करेंगे हम शोल्डर, तो आज जिम में हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट। शोल्डर का वर्कआउट में जो करूँगा वो दिखा दूँगा तुम लोगों को। तुम लोग भी देख लेना भाई क्या होता है शोल्डर का वर्कआउट, तरीके का ढंग का वर्कआउट करता हूँ, बेतुका वर्कआउट नहीं करते, सही है। तो चलते हैं फिर जिम, खाने के बाद फिर मिलते हैं जिम में। अभी जो चार
सो गाइस सभी मैं आ चुका था घर पे और मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया था शोल्डर का और अभी मैं घर पर आ गया हूँ। तो अभी डिनर वगैरह मैंने कर लिया है, सब कंप्लीट हो गया है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अब मैं जा रहा हूँ सोने। पहले करूँगा सारी बाइकों को अंदर, फिर जाऊँगा सोने। तो अभी चलते हैं, बाइक वगैरह मैं अंदर कर दूँगा, फिर मैं जा चले जाऊँगा सोने। फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर तुम्हें ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।